Praveen Kumar became the first Indian male wushu world champion at the 15th World Wushu Championships in Shanghai. Hailing from Rohtak in Haryana, a place known more for boxing and wrestling, Praveen's choice of taking a wushu back in 2012 raised more than a few eyebrows. From initially wanting to become a pugilist, the change in career happened after he visited a university where he saw wushu being played. He told NNI Sports, "I tried my best but could not quite crack it in boxing. Wushu is a combination of boxing, wrestling and kickboxing. I got attracted instantly, but it was difficult to convince everyone and get their approval. My friends used to laugh. My father wanted me to go for wrestling as he felt there was more scope and money. But my heart was bent on succeeding in wushu." The Assam Regiment Havildar is now focused on the Asian Championships in India and then the World Cup as and when they happen. More importantly, he would like to see wushu being included in the Olympic Games at the earliest. Wushu mein main 2011 mein aaya tha kyunki main pehle main bhi boxing ke liye aur judo ke liye ya koi sports ke liye hi MD University mein gaya tha, lekin maine wahan pe koi event chala hua tha hamara wushu ka. तो मैंने वहाँ पे जाके इसको देखा तो मैं इसकी मतलब मुझे इतना अच्छा लगा है गेम कि इसमें किक भी है, पंच भी है, थ्रोइंग भी है, कम्बिनेशन मतलब तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन है. तो उसके साथ ही मैंने फिर इस गेम को देख के जो मेरे सीनियर प्लेयर हैं एक दो उनसे पूछा हाँ कहाँ पर इनका प्रैक्टिस होता है, कैसे क्या है, तो इसलिए फिर मैं वुशु गेम में आया. नहीं तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ जो वुशु है उसके दो पार्ट हैं, ताओलू और सांसू, जिसकी अभी जो चैंपियनशिप चली हुई है वो ताओलू इवेंट की है. उसमें हम इंडिविजुअली भाग ले सकते हैं, लेकिन जो सांसू है वो फाइटिंग गेम है, उसमें हम इंडिविजुअली भाग नहीं ले सकते. तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं सांसू खेलता हूँ तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकता, तो मैं इसमें भाग नहीं ले रहा हूँ. तो हाँ, वर्ल्ड चैंपियन गोल्ड पहला गोल्ड आया था मेरा, तो मुझे बहुत अच्छे से और अच्छे से मोटिवेट करने के लिए मुझे वो कर रहा है कि आने वाले टाइम में अभी हमारे इंडिया में एशियन चैंपियनशिप है और अभी वर्ल्ड कप है, तो मैं उसे अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड से मोटिवेट होते हुए मैं आने वाले टाइम में और अच्छी मेहनत करने लग रहा हूँ. अभी लॉकडाउन में भी मैं अपनी तरफ से पूरा अपना 100% अपनी प्रैक्टिस में लगा रहा हूँ और इसी तरह से मुझे गोल्ड है जो मुझे मोटिवेट करता रहेगा. और मैं चाहता हूँ आने वाली वर्ल्ड कप और एशियन चैंपियनशिप में भी मैं अपना इंडिया का जो झंडा है सबसे ऊंचा रखूँगा और वहाँ पे राष्ट्रीय गान हमारे इंडिया का धुन बजेगी. बहुत दुख लगता है कि हमारा गेम ओलंपिक में नहीं आया है अभी तक, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में अभी जैसे अभी 2022 में डकार में जो यूथ ओलंपिक होने वाले हैं हमारा वुशु उसमें शामिल हो चुका है और आने वाले 2024 जो ओलंपिक होंगे उनमें भी हमारा गेम शामिल हो जाएगा और हम और अच्छी मेहनत करेंगे और 2024 में ओलंपिक में आने के बाद हम उसमें खेलेंगे और कंपल्सरी हम मेडल भी लेके आएंगे और एक दो उसकी तो गोल्ड भी आएगा हमारा. तो हमें अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा आने वाले टाइम में यूथ ओलंपिक और आने वाले ओलंपिक में शामिल हो जाएगा. कि वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया ताइची और सेल्फ डिफेंस की ऑनलाइन कोर्स लेके आ रही है, तो ये बहुत अच्छी पहल है क्योंकि जो ताइची इवेंट है वो हमारे जो लोगों से लड़ने की अक्षमता है उसको बढ़ाता है और हमारी जो मेंटली तौर से हमें अच्छे से प्रिपेयर करता है. और जो सेल्फ डिफेंस है वो तो हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है. तो मैं भी खुद भी इंडियन आर्मी में हूँ, जो तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जो हमारी जो फेडरेशन है वो हमारे जो इंडियन आर्मी में है वहाँ पे भी सेल्फ डिफेंस की जो क्लासेज है वो लगाए और हमारी गवर्नमेंट ये करे तो बहुत अच्छा रहेगा. और साथ में जो हमारी माता बहनें हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, उनके सभी के लिए भी सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी है. तो ये हमारे जो फेडरेशन है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, हमारे सोहिल सर हैं, जो उनकी बहुत अच्छी पहल है. हम अभी मैं घर पे रह के ज़्यादातर मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दे रहा हूँ और अपनी शैडो बॉक्सिंग और किट बैग है घर पे, वो किट बैग करता रहता हूँ और अपनी फिटनेस पे कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा हूँ. और जो पुरानी मेरी फाइटें हैं, जो मैं हारा भी हूँ जीता भी हूँ, उनको मैं देखता रहता हूँ.